फैन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन डिंपल यादव के फैन जैसा फैन नहीं देखा होगा जिसने डिंपल यादव को जिताने की मानो कसम सी खा ली है, बल्कि जीत का संकल्प लिए 700 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से ही तय की है। जी हाँ, इस फैन का नाम है कन्हैया निषाद, जो कुशीनगर के रहने वाले हैं और डिंपल यादव के जबरा फैन भी हैं। वो कैसे, वो तो आपने तस्वीरों में देख भी लिया होगा। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव के नाम पर पूरा यादव कुनवा एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने डिंपल को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत मैनपुरी में झोंकी हुई भी है। इसी में और ताकत झोंकने के लिए डिंपल यादव का एक जबरा फैन भी मैदान में उतर आया है, जो डिंपल यादव की जीत का संकल्प लेकर निकला है। सिर पर लाल टोपी और साइकिल पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगाकर, आपको बता दें कन्हैया निषाद डिंपल यादव के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी साइकिल पर आगे की तरफ एक बोर्ड भी लगाया है जिस पर लिखा है जय समाजवाद जय अखिलेश। इस बोर्ड पर आगे लिखा है मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में कुशीनगर से साइकिल यात्रा। कन्हैया ने अपने शरीर पर डिंपल यादव की जीत के लिए संकल्प भी लिखा है। कन्हैया निषाद सर मेरा नाम है, विधानसभा क्षेत्र हाटा 334, जनपद कुशीनगर का मैं अस्थायी निवासी हूं और समाजवादी पार्टी के गठन के साथ से ही मैं उसका सच्चा सिपाही और सक्रिय कार्यकर्ता हूं। आपको बता दें मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। सपा इस सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शिवपाल यादव के ही करीबी रहे रघुराज शाक्य को मैदान में उतार दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन डिंपल यादव का यह जबरा फैन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसके मजे भी ले रहे हैं।